न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का गठन किया है। वहीं गठन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बाल कांग्रेस बनाए जाने को लेकर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि जिस क्लास में कमलनाथ व दिग्विजय सिंह जैसे शिक्षक होंगे, वहां एडमिशन कम और टीसी ज्यादा कटेगी। इसके अलावा बाला बच्चन पर भी उन्होंने तंज कसा है। उससे पहले जानते हैं कि बाल कांग्रेस बनाने का विचार मूलतः पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के समय बनाई गई वानर सेना से उपजा है। इस बाल कांग्रेस में 16 से 20 साल तक के सदस्य शामिल किए जाएंगे। कमलनाथ का मानना है कि बाल कांग्रेस में प्रवेश लेने वाले किशोर आने वाले समय में देश की राजनीति को सही दिशा और दशा दे सकेंगे। पूर्व मंत्री बाला बच्चन को लेकर बाल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। अरे, कांग्रेस बचपन की तो प्रभारी बाला बचपन के। कांग्रेस की क्लास में एडमिशन लेगा कौन? राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी 75 वर्षीय जब तक इस कांग्रेस के टीचर हैं, तब तक एडमिशन लेने से ज्यादा लोग टीसी कटाने में विश्वास रखेंगे और टीसी लेने के जाएंगे।